जय हिंद। वेलकम टू विजयपथ एजुकेशन पालमपुर। एक बार फिर से आप सभी का हमारी इस टेट की प्रीवियस ईयर सीरीज में हार्दिक स्वागत है। आज क्लास फिफ्थ के साथ मैं आपसे जुड़ चुका हूं एक बार फिर से। इस क्लास में हम 2012 से लेके 2024 तक साइकोलॉजी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको आज फिर से हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले चार क्लासेस हमारी ऑलरेडी हो चुकी हैं और सभी क्लासेस में लगभग 25 से 30 क्वेश्चन डेली आपको करवाए जाते हैं। उनके आप नोट्स बनाइए और आपके वो टेट के एग्जाम के लिए आपको वो काफी हेल्पफुल रहेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, पियाजे के विकास की अवस्थाओं में संवेदी गामक अवस्था समायोजित करता है। यानी कि आपसे पूछा गया है कि जो सेंसरी मोटर स्टेज है वो जीन पियाजे की थ्योरी में क्या काम करती है, ये आपको बताना है। अनुकरण, स्मृति, मानसिक और प्रस्तुतिकरण, जिसमें इमिटेशन मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन की बात की गई है कि बच्चे के अंदर जो है वो इमिटेशन की भावना आ जाती है। इमिटेशन का मतलब होता है कॉपी करना, नकल करना, मेमोरी उसके दिमाग के ऊपर काफी ज्यादा वर्कलोड आ जाता है, या फिर मेंटल रिप्रेजेंटेशन अपनी मेंटल कलाकृतियां बनाना स्टार्ट कर देता है। सेकंड है विकल्पों की व्याख्या और विश्लेषण करने की क्षमता, यानी कि उसके अंदर एक ऐसी क्षमता आ जाती है जिसके थ्रू वो चीजों को एनालाइज करना स्टार्ट कर देता है। थर्ड है तार्किक रूप से समस्या के समाधान करने की क्षमता, जिसमें मुख्य रूप से बच्चे के अंदर एबिलिटी आ जाती है कि वो प्रॉब्लम्स को जो है वो लॉजिकली सॉल्व कर पाए, अपने कुछ लॉजिक्स लगाए उसकी हेल्प से वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। और लास्ट ऑप्शन है सामाजिक मुद्दों से सरोकार, यानी कि कंसर्न किया जाता है बच्चे को जो सोशल इश्यूज हैं उनके साथ वो रिलेट करे चीजों को और प्रॉपर ढंग से उनको सॉल्व करे। तो यहाँ पे जीन पियाजे का ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है ये आपको बताना है। ये आपका एचपी टेट 2013 के एग्जाम में आपके प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। इस स्टेज में बच्चा इमिटेशन करना स्टार्ट करता है, कॉपी करना स्टार्ट करता है। अगर बच्चे की जो मदर है जैसा वो बिहेव करती है वैसे ही बच्चा भी बिहेव करना शुरू कर देता है, उसके साथ साथ अपनी मेंटल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना स्टार्ट करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने नैतिक तर्क के अध्ययन के लिए संज्ञानात्मक विकासात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया है। ऐसे कौन से साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट अप्रोच जो है वो स्टार्ट की थी, किसके लिए, मोरल रीजनिंग के लिए, उसकी स्टडी के लिए उन्होंने अपनी थ्योरी जो थी वो दी थी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट अप्रोच को स्टार्ट किया था किस चीज को समझने के लिए, मोरल रीजनिंग को समझने के लिए। सबसे पहले है हार्बर्ट गार्डनर, फिर है यहाँ पे जॉन टुरिल, उसके बाद जीन पियाजे और लास्ट यहाँ पे माइकल ओसरो। यहाँ पे 2019 का ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा चुका है और इसका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा फिर से जीन पियाजे। ये जीन पियाजे की ही थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है वो कहा गया है कि बच्चा जो है वो एक मॉरल रीजनिंग को भी हम बच्चे की स्टडी कर सकते हैं। जैसे इस तरीके से हमने ये स्टेज के बारे में डिस्कस किया वैसे ही जीन पियाजे की थ्योरी भी यही कॉन्सेप्ट दोबारा से कहती है। नेक्स्ट इज दंड और पुरस्कार पर आधारित कोलबर्ग के नैतिक विकास का स्तर कौन सा है, यानी कि आपको बताना है कि जो अवार्ड एंड पुनिशमेंट का कॉन्सेप्ट है वो जो स्टेज है कोलबर्ग की जो थ्योरी है उसमें स्टेजों की बात की गई है और उसमें मुख्य रूप से ये जो रिवॉर्ड एंड पुनिशमेंट की स्टेज है जिसमें बच्चे को अगर वो गलत काम करता तो उसको पुनिश किया जाता है और अच्छा काम करता तो उसको रिवॉर्ड एप्रिशिएशन टीचर्स के द्वारा पेरेंट्स के द्वारा दी जाती है। तो ये कौन सी स्टेज में उसको रखा गया है, पारस्परिक, पूर्व पारस्परिक, उत्तर पारस्परिक या फिर इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है कि कौन सा इसका जो है वो राइट आंसर यहां पे रहेगा। तो इसमें राइट आंसर है यहां पे जो हमारी प्री स्टेज है पूर्व पारस्परिक स्टेज है उसमें इस चीज को रखा गया है। यहाँ पे ट्रांसलेशन में इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। 2021 का क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे रहेगा तो प्री स्टेज जो है कोलबर्ग की उसमें इसको काउंट किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नैतिक विकास को डैश अवस्था में समसामयिक सामाजिक मानकों के आधार पर नैतिकता का निर्धारण किया जाता है। ऐसी कौन सी स्टेज है वो आपको बतानी है, जिसमें स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट मॉरेलिटी इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कंटेम्परेरी सोशल स्टैंडर्ड्स। कौन सी स्टेज है जो ये बताती है कि बच्चों के अंदर नैतिकता का निर्धारण किया जा सकता है, यानी कि उनके अंदर मोरालिटी नाम की चीज जो है उसको हम एड ऑन कर सकते हैं। तो सेम उसी तरीके के एक क्वेश्चन है यहाँ पे पारंपरिक, ठीक है, उसके बाद है प्री स्टेज, फिर है पोस्ट स्टेज और लास्ट है नन ऑफ दीज। तो इसको भी ऑप्शन नंबर ए में ही काउंट किया जाएगा, पारंपरिक स्टेज। देखिए सबसे पहले आएगी प्री स्टेज, उसके बाद आएगी यहाँ पे आपके पास बेसिक स्टेज और उसके बाद आएगी पोस्ट स्टेज। तो प्री स्टेज में अभी हमने ये पढ़ा कि जो कोलबर्ग की थ्योरी है, फर्स्टली आपको ये भी ध्यान रखना है कोलबर्ग की थ्योरी जो है वो मोरालिटी के ऊपर डिपेंड है, मोरालिटी को रिप्रेजेंट करती है। उसके साथ साथ ये जो प्री का कॉन्सेप्ट है इसमें बच्चे के अंदर जो है वो दंड पुरस्कार की भावना सिखाई जाती है। सेकेंड में ये था कि बच्चे को जो है मोरालिटी की तरफ लेके जाना है, गुड बॉय बैड बॉय, ठीक है, गुड गर्ल नाइस गर्ल, इस फॉर्मेट में बच्चे को लेके जाना। तो उसमें नॉर्मल स्टेज जो पारंपरिक स्टेज है उसकी उसमें काउंट किया जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। 2018 का क्वेश्चन ये रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलबर्ग की नैतिक वृद्धि की 6 अवस्थाओं में से प्रथम अवस्था कौन सी है। ध्यान रखेंगे कोलबर्ग ने थ्योरी किसके लिए दी थी, मोरल ग्रोथ के लिए, मोरालिटी के लिए, मोरल डेवलपमेंट के लिए। कितनी स्टेजें दी थी, टोटल 6 स्टेजें दी थी, जिसमें से फर्स्ट स्टेज आपको बतानी है। 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया, तो वो हम पढ़ चुके, प्री, उसका नॉर्मल और उसके बाद है पोस्ट। तो 3 चीजों में इसको डिवाइड किया। लेकिन जो स्टेजें हैं, प्री में 2 स्टेजें आती हैं, फर्स्ट सेकंड, नॉर्मल में 3rd और 4th स्टेज आती है और पोस्ट वाली में 5th और 6th स्टेज आती है। तो आपको बताना है जो फर्स्ट स्टेज है वो कौन सी है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज रहेगी पुनिशमेंट और ओबीडियंस सिचुएशन ओरिएंटेड, यानी कि जिसमें बच्चे को सजा और उसके साथ साथ आज्ञा पालन की स्थिति को समझाया जाता है कि अगर कोई गलत काम करेगा तो उसको सजा मिलेगी और किस तरीके से बच्चों को जो है वो आज्ञा का पालन करना है। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन 2013 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट वन, पूर्व पारंपरिक अवस्था में नैतिकता का निर्धारण डैश के आधार पर किया जाता है, यानी कि अगर एक बच्चे के अंदर मोरालिटी को डेवलप करना है तो किसके आधार के ऊपर हम उसको कर सकते हैं, लेकिन कौन सी स्टेज के अकॉर्डिंग, वो भी आप ध्यान रखेंगे। प्री स्टेज की बात की जा रही है, प्री स्टेज हमने डिस्कस किया, मेनली 3 स्टेजों के बारे में बताया गया, प्री स्टेज, नॉर्मल स्टेज और उसके बाद है पोस्ट स्टेज। इसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेप आता है, इसमें 3rd और 4th और पोस्ट वाली में 5th और 6th स्टेप काउंट किया जाता है। अब आपसे पूछा गया कि ये जो प्री स्टेज है, अगर इस स्टेज में बच्चों के अंदर मोरालिटी लेके आनी है, मोरालिटी अगर बच्चों के अंदर लेके आनी, तो आप कौन से कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, यानी कि प्री की स्टेज में कौन सा ऑप्शन जो है वो उस फॉर्मेट में फिट होता है। तो ये है पुनिशमेंट एंड रिवॉर्ड, जो कि हमने अभी पीछे क्वेश्चन भी डिस्कस किया, ये इसकी स्टेज है। और पुनिशमेंट एंड रिवॉर्ड ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि बच्चे के अंदर नैतिकता दंड और पुरस्कार से आ सकती है। बच्चा तभी सीख सकता है जब उसको डर होगा किसी चीज का, और अगर वो अच्छा काम कर रहा है उसको ये भी पता है कि अच्छा अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो मेरे को रिवॉर्ड भी टीचर्स के द्वारा मिलेगा। इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ये भी कोलबर्ग की ही थ्योरी में कॉन्सेप्ट काफी डिटेल में बताए गए हैं, हमारी पेड क्लासेस में इसको काफी अच्छे तरीके से, इसको प्रॉपर ढंग से ब्रीफली आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया गया है। ये 2021 का क्वेश्चन है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, स्वयं स्वीकृत नैतिकता के सिद्धांत को किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया था, सेल्फ एक्सेप्टेड मोरालिटी, ये जो कॉन्सेप्ट है किसने बताया था, पियाजे, कोलबर्ग, एरिक्सन या फिर बंडूरा। तो देखिए ये जो थ्योरी है, अभी मैंने जस्ट आपको बताई कि मोरालिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिया, कोलबर्ग ने दिया। तो फिर से
जो सेल्फ मोरालिटी की हम बात कर रहे हैं उसका भी राइट आंसर क्या आएगा, कोलबर्ग ही आएगा। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन, कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था के दौरान बालक क्या करता है। आपको बताना है कि जो कोलबर्ग की थ्योरी है मॉरल डेवलपमेंट की, जब प्री कन्वेंशनल स्टेज आती है, देखिए मैंने तीन स्टेजों की बात की, पहली स्टेज है प्री स्टेज, प्री कन्वेंशनल स्टेज बोलते हैं उसके, नॉर्मल स्टेज को बोलते हैं कन्वेंशनल, और लास्ट स्टेज आती है पोस्ट कन्वेंशनल। तो ये तीन स्टेजों में इसकी छोटी छोटी 6 सबलेट इसमें दिए गए हैं। तो आपको बताया, यहां पे आपने बताना है कि जो प्री कन्वेंशनल स्टेज है उसमें कौन सी चीज बच्चों के साथ होती है। यहां पे वह सोचता है कि गलत दंडित होता है और सही व्यवहार दंडित नहीं होता है, यानी कि बच्चा यह सोचता है कि अगर मैं अच्छा बिहेव करूंगा तो मेरे को डांट नहीं पड़ेगी, और अगर मैं कोई गलत काम करूंगा तो मेरे को पुनिश किया जाएगा, बच्चा ये सोचता है। सेकंड ऑप्शन में बोला सही और गलत व्यवहार की कोई समझ नहीं होती, यानी कि बच्चे को पता नहीं होता कि अगर मैं सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं। छोटा कोई बच्चा 1 साल का 2 साल का खिलौने को फेंक रहा है तो उसको वहां पे डांटा नहीं जाता है, लेकिन बच्चे के अंदर जब समझ आ जाती है, 5-6 साल का कोई बच्चा अगर मोबाइल फोन फेंकेगा तो पेरेंट्स उसको जो है वो डांट लगाएंगे, क्योंकि इतना कॉस्टली वो चीजें आती हैं, अगर उसको फेंकेंगे तो वो नुकसान है, लेकिन छोटा कोई बच्चा उसको इस चीज की समझ नहीं है, ये इस ऑप्शन में बताया गया। थर्ड ऑप्शन में कहा गया कि अनैतिक होते हैं, ठीक है, उनको मोरालिटी का कुछ पता ही नहीं, उनको कोई समझ ही नहीं है। और नेक्स्ट बताया गया यहाँ पे कि असहयोगी होते हैं, किसी के साथ कोई भी सहयोग नहीं करते, कॉपरेशन उनके पास नहीं होती, अनकॉपरेटिव बिहेवियर उनका रहता है। तो देखिए अगर मैं पुराने क्वेश्चन की बात करूं, यहां पे हमने ये पढ़ा था कि जो प्री कन्वेंशनल स्टेज है उसमें हम बच्चों को दंड और पुरस्कार देते हैं, तो वैसा ही क्वेश्चन ये भी आपका सेम है, इसमें भी आपको यही बोला गया कि जो प्री कन्वेंशनल स्टेज है, जो प्री कन्वेंशनल स्टेज है इसमें बच्चों को क्या किया जाता है, बच्चों को सही और गलत का पता होता है, और अगर वो सही करेंगे तो पुरस्कार दिया जाता है, गलत करेंगे तो दंड दिया जाता है। तो राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए। 2016 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कोलबर्ग की थ्योरी के काफी मल्टीपल क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बुक से रिलेटेड, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इन 1960, ये बुक किसने लिखी थी, ब्रूनर, स्किनर, जीन पियाजे या फिर इनमें से कोई नहीं। 2017 सितंबर ये क्वेश्चन रहेगा, एचपी टेट आर्ट्स में पूछा गया क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, अगर आपने पहले एग्जाम दिए तो आपको इसका आइडिया रहेगा। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इन 1960 ये बुक लिखी गई थी जेम्स ब्रूनर के द्वारा, जेम्स ब्रूनर ने इस बुक को लिखा था, कॉग्निटिव थ्योरी इनके द्वारा दी गई है, जीन पियाजे ने भी कॉग्निटिव थ्योरी के ऊपर ही काम किया है, सो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत ये बताता है कि बच्चों का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार डैश के द्वारा निर्देशित किया जाता है, यानी कि एक थ्योरी थी जिसमें सोशल कल्चरल थ्योरी है वाइगोत्स्की की, इसका भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वाइगोत्स्की ने कौन सी थ्योरी दी थी, तो सोशियो कल्चर थ्योरी इनके द्वारा दिया गया था। कोलबर्ग की पूछी जाएगी तो मोरालिटी का कॉन्सेप्ट दिया था, मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। उसके बाद हमने जीन पियाजे का पढ़ा, पियाजे ने जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, जेम्स ब्रूनर ने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। उसके बाद जैसे कोलबर्ग था उन्होंने बिहेवियर के ऊपर काम किया था, डॉग की थ्योरी है, ठीक है, उसमें नेचुरल स्टिमुलस को आर्टिफिशियल स्टिमुलस के साथ जोड़ा जाता है। तो इसमें बताया गया कि ये जो सोशियो कल्चर थ्योरी है जिसमें वाइगोत्स्की ने मुख्य रूप से काम किया, उसमें उनकी जो इंपॉर्टेंस थी वो क्या थी, कौन से बच्चों का जो है उसके ऊपर वो काम किया, अन्य बच्चे या फिर एज एडल्ट प्राइवेट टीचर, ना दूसरे ना ही वयस्क निजी शिक्षकों के रूप में, ये बताया गया, और अन्य बच्चे और वयस्क निजी शिक्षकों के रूप में। 2013 का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तभी आपको समझ में आएंगे जब आपने इसकी प्रॉपर ढंग से जो है वो थ्योरी को समझा होगा, ये कॉन्सेप्ट तभी आपको समझ में आ सकते हैं, क्योंकि ये आपके एक तरीके से
जो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज होती है वो स्पेशली उन बच्चों के लिए होती है जो एक एक दो दो नंबर से जो है वो रह जाते हैं। और अगर आपको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना है, 30 में से 30 अगर आपको साइकोलॉजी सेक्शंस में से लेके आने हैं, मिनिमम आप 30 में से जो है वो 25 आप 26 27 आसानी से आप लेके आ सकते हैं अगर आप प्रीवियस ईयर को भी कवर करेंगे तो। लेकिन ये नहीं कि आपने प्रीवियस ईयर को सिर्फ देखा, उसको समझना जरूरी है कि कॉन्सेप्ट कहता क्या है, क्वेश्चन में बताया क्या गया। तो इसमें यह बताया गया अन्य बच्चे और वयस्क निजी शिक्षकों के रूप में, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं और सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। अब ये किसने कहा था कि इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल प्रोसेसेस एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑन चिल्ड्रन थिंकिंग। ये किसके शब्द हैं ये आपको बताना है, कोलबर्ग के, बायोगोस्की के, जीन पियाजे या फिर बंडूरा, अल्बर्ट बंडूरा, ये किसके शब्द जो है वो यहाँ पे बताए गए हैं। 2021 का लेटेस्ट क्वेश्चन 2021 का ये रहेगा, और उसके साथ साथ 2023 में भी ये क्वेश्चन जो है वो एचपी टेट के पेपर में पूछा जा चुका है। यहां पे ये कॉन्सेप्ट कहा गया था बायोस्की ने, ये सोशियो कल्चर थ्योरी की एक लाइन है जिसमें कहा गया बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक, देखिए सोशल का कॉन्सेप्ट किसने दिया, बायोस्की ने दिया, इसलिए जब भी सोशल का आंसर आएगा 99% आपके जो आंसर है वो ऑप्शन सी की तरफ ही जाएंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, ये फिर से सिंपल सा क्वेश्चन, बायोस्की के सिद्धांत के विकास के लिए किस पक्ष को नजरअंदाज किया गया, यानी कि बायोस्की ने जो कॉन्सेप्ट दिया वो किसके ऊपर नहीं दिया, ये आपसे पूछा गया है। 2017 में क्वेश्चन दो बार ये आपसे पूछा गया। देखिए सोशल थ्योरी तो उसका नाम है सोशियो कल्चर थ्योरी, ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है, सांस्कृतिक सोशियो कल्चर थ्योरी सही है। अब सोशल में रहेंगे तो भाषा के आधार पर भी आपको थ्योरी को बताना पड़ेगा, ये तीनों सही हैं, लेकिन बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के बारे में कहीं पर भी इनके द्वारा बात नहीं की गई थी, तो इसी कॉन्सेप्ट को यहां पे इन्होंने क्या किया, इग्नोर किया। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए इनके नाम में ही आपका क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। वाइगोस्की ने कौन सी थ्योरी दी, सोशियो कल्चर, यानी कि सोशल की बात की, कल्चर की बात की, कल्चर में क्या आता है, हमारी भाषा, हमारी, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, ये सारी चीजें हमारे कल्चर्स में काउंट की जाती हैं। बायोलॉजिकल की कोई बात नहीं की, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो सिंपल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोस्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है, सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है, लेकिन ध्यान रखना है कौन सा साइकोलॉजिस्ट आपसे पूछ रहा है, किसके अनुसार, बायोस्की के अनुसार। तो यहां पे उनकी जो थ्योरी थी वो थी सोशियो कल्चर, यानी कि सोशल, सोशल के ऊपर ज्यादा फोकस था, सोशल का मतलब है सोसाइटी, तो राइट आंसर भी क्या रहेगा, सोसाइटी ही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। 2013 में क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए जब बच्चे की डेवलपमेंट होती है सबसे पहले बच्चा कहाँ जाता है, फैमिली में होता है 5 साल तक 6 साल तक, फिर चला जाता है वो कहाँ पे, स्कूल में, जब स्कूल में जाएगा टीचरों से सीखेगा, अपनी सोसाइटी के साथ मिलेगा, फिर आ जाती है उसकी सोसाइटी, ठीक है, फिर आ जाता है उसका रिलीजन, पूजा पाठ करने में वो व्यस्त हो जाता है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट सभी आपके सही हैं, ऐसा नहीं कि बच्चे को यहाँ पे जो उसकी डेवलपमेंट है वो रुक जाएगी, लेकिन बात की गई है सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट आपका है फैमिली, लेकिन यहां पे किसके अनुसार पूछा गया, वाइगोस्की के अनुसार, तो फैमिली ना होके फिर आएगा सोसाइटी, क्योंकि इन्होंने अपनी थ्योरी में सोसाइटी को ही मेन प्रेफरेंस जो थी वो दी थी। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में प्रश्न पूछना, कक्षा में अगर कोई बच्चा प्रश्न को पूछ रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे। यहां पे आपको बोला गया है कि सब्जेक्ट मैटर को वो क्लियर करता है, अगर कोई हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हमारी क्लैरिटी हो जाती है, कोई डाउट है उसको क्लियर करता है। उसके बाद बोले कि इनएक्टिविटी होती है कि बच्चे ऐसे मजाक में थोड़ा क्लास को ये करने के लिए। उसके बाद है वेस्ट ऑफ टाइम, ये वेस्ट ऑफ टाइम है, या फिर इससे जो है वो इनडिसिप्लिन पैदा होता है। आपको बताना क्या राइट आंसर है।
बेसिक सा क्वेश्चन है और ये पेडोलॉजी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया। इसमें आपको कोई रटने वाली चीज नहीं है, जब आपने अपनी प्रैक्टिस की है कि हाँ अगर आप टीच करते हैं तो आपको इन चीजों के बारे में पता है कि आपको इन चीजों को कैसे हैंडल करना है। तो देखिए, आपको लगेगा कि जब भी क्लास में क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चा जब क्लास में क्वेश्चन पूछेगा टीचर से, तो टीचर क्या करेगा, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। तो इसलिए ये विषय वस्तु को स्पष्ट करता, उससे टॉपिक को जो है वो क्या कर देता है, क्लियर कर देता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की कक्षा में प्रश्न, क्वेश्चन इन द चिल्ड्रन क्लास क्या होना चाहिए, ये आपको बोला गया है। सबसे पहले ये है कि पूछने के लिए हतोत्साहित कर देना चाहिए उनको, डिस्करेज उनको, पैसे मतलब अगर कोई बच्चा पूछ रहा है तो उसको बस बोल दे कि बैठ जाओ कल बताएंगे परसों बताएंगे आप बैठ जाओ, कि ऐसा होना चाहिए। दूसरा, पूछने के लिए अनुमति नहीं देनी चाहिए, उनको अलो ही नहीं करना चाहिए। यानी कि क्लास में आया मैंने उनको बोल दिया कि मेरे से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्या ऐसा होना चाहिए। थर्ड बोला गया, पूछने से रोकना चाहिए, कि जब अगर कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर मेरे को क्वेश्चन पूछना है, तो मैंने बोला कि ठीक है आप पूछ लो, कल समझाऊंगा परसों समझाऊंगा, यानी कि उसको बिठा दिया, उसको टाल दिया। और लास्ट है कि पूछने के लिए प्रेरित करना, कि बच्चे को जो है वो मोटिवेट करना। तो जब भी टीचर पढ़ाते हैं, बार बार टीचर यही बोलते हैं, किसी को अगर कोई समझ में ना आए तो बार बार, एक बार, 10 बार, 100 बार, जितनी मर्जी बार वो क्वेश्चन पूछना चाहे पूछ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं ताकि उनको डर ना लगे। और ज्यादातर केसेस में यही होता है कि जब टीचर पढ़ा रहे हैं तो बच्चे बोलते हैं हाँ समझ में आ गया। बच्चों को अगर कोई डाउट है तो वो उनके मन में जो डर बैठा है, जो उनका बिहेवियर वहां पे चेंज नहीं हो पा रहा, उस डर की वजह से या सोसाइटी की सोच की वजह से, फिर बच्चा ये सोचेगा कि अगर मैंने क्वेश्चन पूछा तो बाकी मेरे क्लासमेट क्या सोचेंगे, इसको समझ नहीं आ रहा है, तो उस डर की वजह से बच्चा क्वेश्चन नहीं पूछ पाता है। तो इसके लिए बच्चों को हमेशा मोटिवेट करना चाहिए। ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। 2021 में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट इज, विद्यार्थियों को गृह कार्य ये देखने के लिए दिया जाता है, टीचर्स के द्वारा बच्चों को क्या दिया जाता है, होमवर्क दिया जाता है, तो किस पर्पस से वो दिया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है लेखन कौशल के विकास के लिए, कि उनकी राइटिंग स्किल जो है वो क्या हो जाए, डेवलप हो जाए, जितना लिखेंगे, जैसे छुट्टियां पड़ती हैं, एक महीने की छुट्टियां पड़ गई तो सरकारी स्कूल्स में, या मतलब ऐसा ही होता है क्योंकि हम सरकारी में पढ़े, ठीक है प्राइवेट में पढ़े, तो हमें इस चीज का पता है कि किस तरीके से होमवर्क जो है वो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि लेखन कौशल, राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करना है। एक महीने की छुट्टियां पड़ी और पूरा एक रजिस्टर काम का दे दिया, तो क्या हमारी राइटिंग को सुधारने के लिए दिया जाता है, एज अ टीचर आपको पता होना चाहिए। क्योंकि टेट का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, इसका मतलब बीएड तो आपने की है, टीपी आप लगा के आए हैं, तो फिर आपको ये पता होना चाहिए। सेकंड, विद्यार्थी घर पर अध्ययन कर सके, ताकि घर में बच्चा पढ़ सके, इसलिए दिया जाता है। थर्ड ये है, विद्यार्थी को पाठ कितना समझ में आया है, ठीक है, विद्यार्थी को पाठ जो है, जो चैप्टर है वो कितना समझ में आया है, या फिर विद्यार्थी के विकास के लिए, किस पर्पस के लिए वो दिया जाता है। 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहां पे देखिए, लिखने का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल सही है, राइटिंग स्किल भी अगर बढ़ेगी उसकी, उसके बाद है घर में बैठ सके, बच्चे को डर होगा कि कल टीचर पूछेंगे, ठीक है, उसलिए भी होता है। उसके बाद है कितना बच्चे को समझ आया, इसके लिए भी टीचर होमवर्क देते हैं, बच्चे की डेवलपमेंट भी होती है, चाहे उसकी मेंटल हो, चाहे राइटिंग स्किल हो, चाहे उसकी विजुअल स्किल हो, हर किसी चीज में डेवलप होती है। लेकिन किस ऑप्शन को हम हिट करेंगे, सो ऑप्शन यहां पे राइट आंसर रहेगा सी। होमवर्क का मेन पर्पस यही है कि बच्चे को कोई चीज कितनी समझ में आई है। जब बच्चों को होमवर्क दिया जाता है तो वो क्या दिया जाता है, कि मैंने 10 क्वेश्चन करवा दिए और 11 से लेके 15 क्वेश्चन तक आपने होमवर्क में करके आने। इसका मतलब है कि अगर बच्चे को 10 क्वेश्चन समझ में आए तभी वो 11 से 15 तक कर सकता है, उसकी स्किल डेवलपमेंट के लिए वो चीजें हेल्प करती हैं। लेकिन मेन फोकस किसके ऊपर किया जाता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, बच्चा कितना अंडरस्टैंड कर चुका है। लेकिन ज्यादातर होता क्या है, बच्चे किसी हेल्प बुक से, किसी की नोटबुक से वो क्वेश्चन उतार के ले जाते हैं। तो ये इन चीजों के बारे में आपको भी ध्यान रखना है, क्योंकि टीचिंग करेंगे तो आपको भी इन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम में
लचीलेपन का प्रत्यय किसको लाभान्वित करने के लिए प्रस्तावित किया गया था, यानी कि ये जो फ्लेक्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया गया, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि बच्चों को फायदे वाली चीज दे दी फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, बच्चों को कोई रिसोर्सेज हमने प्रोवाइड करवा दिए, ठीक है, बच्चों को हमने ये कह दिया कि अगर कोई बात नहीं, अगर इतने क्वेश्चन नहीं आएंगे तो आपको हम कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है, बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी दे दी कि एक चैप्टर को हम एक महीना लगाएंगे, आराम से पढ़ेंगे, कोई वो टेंशन नहीं है, जब आपने नहीं पढ़ना होगा तब भी आपने बता देना, ठीक है, जब पढ़ने का मूड होगा तब भी बता देना, यानी कि बच्चों को हम क्या कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं। अब यहाँ पे बात की गई कि ये फ्लेक्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट किन चीजों के लिए होता है, जैसे मान के चलते हैं कि एक कोई मैथ का चैप्टर है और उसमें एक से लेके दस तक क्वेश्चन है। अब एक लेक्चर 30-40 मिनट का होता है जिसमें से मैंने बच्चों को सिर्फ फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करवाए, ठीक है। अब फ्लेक्सिबिलिटी ये बोलती है कि अगर कोई बच्चा ये बोल रहा है कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल करेंगे, आज दो क्वेश्चन काफी हैं तो इनको हम रिवाइज कर लेते हैं, तो वहां पे मैं भी ये सोचूंगा ठीक है कि अगर बच्चों को ज्यादा वर्कलोड हो जाएगा या हो सकता है कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आए तो मैंने उनको क्या किया, रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा दी, मैंने उनको फ्लेक्सिबिलिटी दे दी कि ठीक है आज हम दो ही क्वेश्चन करेंगे, आप इनको रिवाइज करो, कल थर्ड क्वेश्चन करेंगे। लेकिन अगर मैं अपनी ही जिद के ऊपर अड़ जाऊं कि नहीं आज मेरे को पांच क्वेश्चन किसी भी हाल में खत्म करने हैं, चाहे समझ आए चाहे ना आए, मैंने बोर्ड पे वो करने हैं, तो वो चीज फ्लेक्सिबिलिटी में काउंट है नहीं की जाती। तो ये कॉन्सेप्ट किन चीजों के लिए, यहां पर बताया गया आरोग्य बालक, उसके बाद है मकसद को, ठीक है, यहां पर थोड़ा सा एरर है, मकसद आएगा, ठीक है, कि मैं सोच क्या है कि मैंने करना ही करना है चाहे जो मर्जी, समझ आए चाहे ना आए। तीसरा बोला गया है कि जो एससी एसटी बच्चे उनके लिए दी जाती है, और चौथा बोला गया है जो अदर बैकवर्ड जो क्लासेस के बच्चे होते हैं सिर्फ उनको दी जाती नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट किसको दिया जाता है, आरोग्य बालकों को, ठीक है। यहाँ पे अनहेल्दी चिल्ड्रंस की बात की गई है, आरोग्य बालक का मतलब होता है कोई किसी को कोई हो सकता है प्रॉब्लम्स है, ठीक है, कोई अगर 10 बच्चे हैं किसी क्लास में, हो सकता है किसी की लिखने की स्पीड कम हो, किसी को जो है बोलने में प्रॉपर ढंग से बोल ना पाता हो, किसी को डर लगता हो, या किसी को थोड़ा लेट समझ में आता हो। ऐसा नहीं है कि मैंने क्वेश्चन समझा दी सभी को पटाख से कोई चीज समझ आएगी, थोड़ा टाइम लगता है, किसी बच्चे को 10 मिनट लग सकते हैं समझने के लिए, तो उसके लिए हम बच्चों को क्या दे देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होगा, मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करा दिया, अब जिनको आता है वो तो थर्ड और फोर्थ करना क्लास में स्टार्ट कर देंगे, जिनको फर्स्ट और सेकंड में प्रॉब्लम आ रही है वो इस क्वेश्चन को दोबारा से समझ सकते हैं। तो यहां पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ कब लागू किया गया था। एनसीएफ जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का मतलब है जो हमारे करिकुलम को डिजाइन करता है, करिकुलम का मतलब है जिसमें करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटी को डिजाइन किया जाता है, जिसमें हमारे पास एनसीएफ में दो चीजें आती हैं, सबसे पहला है सिलेबस और उसके बाद आता है जो स्कूल की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सारी चीजें। तो ये कब इंप्लीमेंट हुआ था, तो लास्ट जो है वो 2005 में इसको इंप्लीमेंट किया गया था, ये 2013, उसके बाद 2016, उसके बाद 2019 और लेटेस्ट 2023 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, हिंदी में इसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, जिसको एनसीएफ कहा जाता है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसमें अगर हम मैथमेटिक्स को टीच कर रहे हैं तो एक टीचर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग। सबसे पहला है कि बच्चों को अंक गणित का ज्ञान देना, कि बच्चों को अर्थमेटिक के बारे में पता होना चाहिए, पहले बच्चों को वो समझाना, या सेकंड है बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, उनके अंदर इंटरेस्ट लेके आना, या फिर थर्ड बोला गया बच्चों में चिंतन यानी कि लॉजिकल थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को लेके आना, और फोर्थ है इमोशनल डेवलपमेंट लेके आना। देखिए जब भी हम मैथ को टीच करते हैं तो हमेशा बच्चों के अंदर लॉजिकल थिंकिंग को एनहांस करने का कॉन्सेप्ट सबसे पहले आता है। अगर लॉजिकल थिंकिंग आएंगी, बच्चा अगर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहा है तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो है वो इंटरेस्ट अपने आप ही
आ जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार अध्यापक छात्र अनुपात प्राथमिक स्तर पर 1:39 होना चाहिए, यानी कि एक टीचर जो है वो 39 स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है, कहीं पर लेटेस्ट जो है वो 130 की रेशो बताई जाती है, जिसमें किसके द्वारा ये कहा गया था, कौन से सर्वे के अकॉर्डिंग कहा गया है कि 1:39 एक स्कूल में होना चाहिए, किसके लिए, प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर। ये 6th इंडियन एजुकेशन सर्वे हुआ था, 5th इंडियन एजुकेशन सर्वे, 4th इंडियन एजुकेशन सर्वे या 2nd इंडियन एजुकेशन सर्वे, 2013 का थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन कमीशन से रिलेटेड, सर्वे से रिलेटेड, उसके बाद आपके जो एनसीएफ हैं, कमीशन हैं, जो भी हमारी पॉलिसीज आई हैं, उनसे क्वेश्चन बन सकता है। तो ये बताया गया था 6th एजुकेशन सर्वे के अकॉर्डिंग कि एक टीचर प्राइमरी लेवल पे 39 स्टूडेंट्स को टीच कर सकता है। एट प्रेजेंट टाइम जो भी रेशो है वो है 1:30, राइट टू एजुकेशन 1:30 को ही आगे प्रमोट करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। तो ये आज की क्लास के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जल्दी नेक्स्ट क्लास के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।